नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 चुनाव का दौर अब शुरू हो चुका है। 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इसके बाद अब 19 मई तक चुनावी सियासत ज्यादा गर्म होती रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश का दंगल बहुत ज्यादा कठिन है। हर पार्टी के लिए राह जो है वो मुश्किल होती चली गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या फिर कोई और पार्टी। दरअसल सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का पूरी तरह से सिलसिला शुरू कर चुके हैं। एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू हो चुकी है। एक दूसरे की कमज़ोर या दुखती रख पर हाथ रखना भी शुरू हो चुका है। ऐसे में बसपा की प्रमुख और दलितों की भगवान कही जाने वाली मायावती पहुंची उत्तराखंड के रुद्रपुर और रुद्रपुर पहुंचकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमानी की पिछले 5 साल में और गरीबों का कुछ भला नहीं किया। अब गरीबों की भगवान बनकर मायावती खड़ी हो गई हैं जो गरीबों का विकास करेंगी। अब मायावती किस तरह से विकास करेंगी ये तो फिलहाल उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन उत्तराखंड की भी वो ज़्यादातर सभी सीटें जो हैं वो जीतना चाहती हैं। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी और मायावती यानी कि BSP बहुजन समाज पार्टी इस बार एक साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं और महागठबंधन का फायदा सीधा सीधा जो है वो लोकसभा में मिल सकता है। इतना आसान नहीं होगा हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। हालांकि अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है, यानी कि ठगों का बंधन बता दिया उन्होंने महागठबंधन। लेकिन जिस हिसाब से रुद्रपुर में यहाँ पर दहाड़ी हैं मायावती, ये बात तो तय है कि लोगों का जो जनसैलाब उमड़ पड़ा था, जो उनकी रैली हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर हाथी को पूरी तरह से लोगों को का एक सारथी बता डाला और कहीं ना कहीं अब मायावती का रुद्रपुर जाना ये दर्शाता है कि उत्तराखंड की कितनी ललक है लेने की इन लोगों को। फिलहाल अगर आप देखें तो सियासत इस कदर गरमाई हुई है कि हर तरीके से चुनाव में एक दूसरे से जीतने का पूरी तरह से एक जिसे हम कहते हैं कि रणनीति जो है तैयार की जा रही है, पिच तैयार की जा रही है। फिलहाल अगर आप देखें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रिस्पांस मिला है, कल कन्नौज में डिम्पल यादव ने नामांकन भरा, गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में नामांकन दाखिल किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बार पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि यही सियासतें हैं जो आपको सत्ता में लाती हैं। हालाँकि साल 2014 के आंकड़े अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 72 सीटें हासिल हुई थी, और अगर आप 2019 के आंकड़े देखें तो इस बार तो पूरी तरह से सपा और बसपा एक साथ लड़ रहे हैं। सपा को सपोर्ट है मुस्लिम्स का, बसपा को सपोर्ट है दलितों का, और जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा जो है महागठबंधन को मिल सकता है। अब अगर ब्राह्मण वोटर्स जाएँ तो जाएँ कहाँ, कांग्रेस को वो वोट करेंगे नहीं। अगर उनको वोट करना भी होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जब इस तरह के सच सामने आते हैं या फिर अपनी दिक्कतों का दौर सामने आता है तो मसले अलग हो जाते हैं। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दो मुद्दे अलग होते हैं, लोकल मुद्दे काफ़ी अलग होते हैं और जो क्षेत्र के मुद्दे हैं वो पूरी तरह से अलग तरीके से भारी होते हैं। सवाल ये भी है कि अब जिस तरह से यहाँ पर मायावती दहाड़ी है रुद्रपुर में, ये बात भी तय हो जाती है कि रुद्रपुर में मायावती का एक अलग वर्चस्व देखने को मिला। लाखों लोगों की भीड़ वहाँ पर मौजूद थी और उस रैली में मायावती ने बता दिया कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। भैया सियासत किस कदर गरमाई है, कभी प्रत्याशी नहीं उतारने की बात होती है कांग्रेस के खिलाफ, कभी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला जाता है, तो ये इस तरह की जो सियासत है ये दो मुही सियासत जो है ये समझ से पार चली जाती है। हालांकि नो डाउट मायावती जब कहती हैं जो भी बात उनके भाषण में रहती है तो लोग उनकी बात से इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब सियासत जो है वो अब उत्तराखंड तक भी पहुंच चुकी है, उत्तराखंड से भी दहाड़ी है मायावती। हालांकि उत्तराखंड में फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी को भी डर है कि भैया यहाँ की जो कम सीटें हैं हमको निकालनी है, क्योंकि तभी आप केंद्र में सत्ता बना पाएंगे, क्योंकि यूपी में इस बार उतना आसान लग नहीं रहा है। हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की छवि बन चुकी है।
तो कहीं ना कहीं जब आप सत्ता में होते हो तो सवाल आप पर ही खड़े होते हैं। अब देखना है कि मायावती का जो ये राज है, जो जिस तरह से मायावती दहाड़ रही हैं, जिस तरह से महागठबंधन है, क्या ये महागठबंधन इनको आगे लेकर जाएगा या फिर ये महागठबंधन इनको एक फुट पीछे लेकर जाएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।